खबर राजनांदगांव जिले से है, जहां बोल बम्प ब्लास्ट मामले में पुलिस ने आरोपी इलेक्ट्रिशियन को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जाम सराब कला में बीते दो दिन पहले बोल पंप में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक मजदूर नरेश ओड़ी की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी मुकेश ठाकुर ने बताया कि आरोपी इलेक्ट्रिशियन कुनान कुंवर की आपसी रंजिश अपने पड़ोसी फर्म के मालिक संतोष वैष्णव से थी, जिसके चलते उसने बारूद से बम बनाकर पंप के स्विच में प्लांट किया था, जिसको चालू करते ही फार्म मालिक संतोष वैष्णव के यहां कार्यरत मजदूर नरेश की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच के दौरान गांव के ही इलेक्ट्रिशियन को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव से नैमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। 28 अप्रैल को प्रातः सवेरे 6 बजे पुलिस के पास ये खबर आई कि लोकल स्तर पे वैष्णो जी के फार्म हाउस पे एक किसी विस्फोट की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने FIR कायम की। जांच में जब लिया गया प्रकरण तो समझ में आया कि लोकल स्तर पे वहाँ पे कुछ लोकल बम बना के वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। संदेहियों और परिस्थिति जनसाक्ष्य के हिसाब से जब लोकल पुलिस आगे जाँच पे बढ़े तो उन्हें ये पता चला कि वैष्णो परिवार का एक कुमान कुंवर जी हैं, उनके साथ में पुराना आपसी रंजिश थी, जो कि पेशे से इलेक्ट्रिशियन थे और CACB से ही अपना इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। उन्होंने अपना इलेक्ट्रिशियन होने का जो नॉलेज था उसका इस्तेमाल किया और लोकल स्तर पे जो बम थे, बम बनाने के लिए जो बारूद प्रयुक्त होता है, उसको लेके 150-200 किलो के आसपास का एक लोकल बम बना के उनके यहाँ पूर के पास में प्लांट कर दिया। उनकी मोटर्स ऑपरेंटी मालूम थी और वैष्णो परिवार के लोगों में से किसी का हित हो तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो इनके परिवार का आएगा जो स्विच को ऑन करेगा और जिसकी वजह से उनके घर में दुर्घटनाकारी होगी। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वैष्णो परिवार के किसी भी व्यक्ति ने वहाँ नहीं गया, उनके पिताजी भिलाई में एडमिट थे, तो उन्होंने नरेश कुमार ओटी जी को बोला कि आप यहाँ पर मोटर को चालू कर देंगे करके।